दिनकर जी का ये बेड है, ये दिनकर जी की छड़ी है, जो ये छड़ी है वो हाथ में लेके सब दिन रहते थे। वो एकदम यहाँ जब आते थे तो सफर के जलेबी के प्रेमी थे। अच्छा। एकदम जलेबी उदम मंगा के खाते थे। जहाँ आप गाड़ी लगाए हैं भगवती स्थान, वहाँ एक बच्ची है, उसका उम्र होगा 5 साल, समूचा कुरुक्षेत्र याद है। अच्छा जी, समूचा रश्मि रथ याद है उसको। ये बेड जो लगा हुआ है, यहाँ शाम को डेली रामायण पाठ होती है, डेली अभी भी। बहुत नाराज रहते थे, रेलवे लाइन जो राजेंद्र पुल बना था उन्हीं का देन है। अगर दोस्ती करते तो जिस समय वो नेहरू जी के साथ थे तो वो ये वक्तव्य नहीं निकालते कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आप पोता हैं दिनकर जी के बाबा? हाँ, लगते तो जरूर है। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। इस समय हम बिहार में हैं और बिहार महापुरुषों की धरती है। यहाँ पर रामायण लिखने वाले वाल्मीकि का भी जन्म इसी बिहार में हुआ। इसके अलावा ऐसे कई महापुरुष हैं जो जिनका जन्म बिहार की धरती पे हुआ, चाहे गणित का जीरो देने वाले हमारे आर्यभट्ट हों, या फिर ये वही बिहार है जहाँ से दो धर्म निकले हैं, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय आदि कहीं पर स्थित था तो बिहार की ही धरती पर था। और ऐसा नहीं कि बिहार केवल एक ही बार में प्रसिद्ध हुआ, बिहार में अक्सर हमेशा ऐसे ऐसे सपूत पैदा होते रहे जो पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में विख्यात होते रहे। उन्हीं में से एक के आज हम पैतृक गांव में आए हैं और जिनका नाम है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। बताते हैं, सत्य को साधने वाला एक ऐसा कवि पैदा हुआ जिसने राजनीति को भी साधा, जिसने समाज को भी साधा, जिसने पूरे समाज को एक बेहतर दिशा देने के लिए कलम की स्याही से एक ऐसी पंक्तियां लिख गया, ऐसे महाकाव्य लिख गया जो अमर हो गए। आज उन्हीं के सिमरिया गांव में हम मौजूद हैं। हमारे पीछे जो आपको एक फ़ोटो नज़र आ रही है वो महाकवि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की है, जिनको हम सभी नमन करते हैं। राष्ट्रकवि दिनकर जी के घर पर हम इस समय हैं और ये वही घर है जहाँ पर राष्ट्रकवि दिनकर जी का जन्म हुआ। और ये संग्रहालय के रूप में ये भवन है जो कि आप देखिए पूरा व्यवस्थित तौर पर आपको नज़र आएगा। उनके सोने की जो व्यवस्था थी, शायद कभी इसी कमरे में वो सोते रहे हों। अब तो भवन आपको अलग ही नज़र आएगा, आधुनिक भवन नज़र आएगा। ये देखिए उनकी वो फ़ोटो हैं, स्मृतियां हैं जो रामधारी सिंह दिनकर के पैतृक गांव सिमरिया में के कक्ष में लगाई गई हैं। और इसके अलावा जब उन्होंने सत्ता पर बैठे लोगों से सवाल किए तो उसकी भी कुछ तस्वीरें आप देखिए। अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने सत्ता पर बड़े गहरे प्रहार किए। उन्हें जवाहरलाल नेहरू का बड़ा करीबी माना जाता था, लेकिन जब बात देश हित की आई तब उन्होंने दिनकर जी का ये बेड है, ये दिनकर जी की छड़ी है, जो ये छड़ी है वो हाथ में लेके सब दिन रहते थे। ये वही छड़ी है जो ये बेड भी वही है। हाँ, बेड भी वही है, इसी बेड पर सोते थे, इसी बेड पर रीडिंग का काम करते थे, पढ़ाई लिखाई जो भी कुछ था। जिस समय मैं ये छड़ी अपने हाथ में पकड़ा हूँ उस समय मुझे बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैं सिमरिया में खड़ा हूँ और उम्र मेरी अभी ज़्यादा नहीं है, 25 वर्ष का हूँ मैं। और 25 वर्ष की उम्र में मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की छड़ी अपने हाथ में लिए हुए हूँ। अच्छा, इसके अलावा बताते हैं कि वो जब कभी गांव आते थे तो उनको जब दोस्त परेशान करते थे तो वो एक लाइनें कहा करते थे जो मुझे याद आ रही हैं। लिखूं क्या खाक जब दिमाग में चढ़े हैं आप। जी जी, सही बात है, सही बात है। होता था क्या कि जो बाहर से आए, देखने वाला, भेंट करने वाला का हुजूम लग जाता था और सब का इच्छा था कि दिनकर जी हैं, दिल्ली में रहते हैं, बहुत विद्वान हो गए हैं, तो कुछ कुछ आशा था, तो तंग करता था कि गांव को ऐसे संवारिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, तो कभी झुलझा के कुछ बोल देते थे। लेकिन गाँव से उनका बहुत प्रेम प्यार था और वो एकदम यहाँ जब आते थे तो सफर के जलेबी के प्रेमी थे। अच्छा। एकदम जलेबी उदम मंगा के खाते थे, जबकि डॉक्टर उनको मना किए हुए था जलेबी मीठा नहीं खाना है, उसके बाद भी जलेबी खाते थे। तो आज उस विरासत को हम लोग मेहनत करके सिमरिया गांव जब घूमिएगा तो देखिएगा प्रत्येक दीवार पर दिनकर जी का लाइन लिखा हुआ है। और किसी भी छोटा बच्चा से भी पूछ लीजिएगा, कोई रास्ता में लगेगा कि ये स्टूडेंट है, उसको कहिए तो उसको कविता सब याद है। अच्छा, करीब करीब मतलब
सिमरिया गांव में किसी भी बच्चे को जो स्टूडेंट आपको पता लग जाएगा वो स्टूडेंट है उसको कहिएगा दिनकर जी का कोई कविता सुनाइए तो आराम से 5 मिनट सुना देगा। जहां आप गाड़ी लगाए हैं भगवती स्थान वहां एक बच्ची है उसका उम्र होगा 5 साल समूचा कुरुक्षेत्र याद है। अच्छा जी समूचा रश्मि रथ याद है उसको जी तो हम रश्मि रथ उनसे सुनना सुन हाँ हम भेंट करवा देते हैं उनसे बच्ची से आप भेंट कर लीजिएगा उसका फोटो भी दे देते हैं। हम स्कूल चलाते हैं प्राइवेट स्कूल तो बच्चों सब का जब प्रोग्राम करते हैं 23 सितंबर मनाते हैं यहाँ 23 सितंबर में एक सप्ताह का प्रोग्राम चलता है 23 सितंबर से पहले एक सप्ताह जहाँ जहाँ विद्यालय सब है सब प्रत्येक दिन विद्यालय अपना अपना उत्सव मनाता है और 23 सितंबर और 24 सितंबर 23 सितंबर हो जाता है प्रशासनिक का और 24 सितंबर राजनीतिक का हो जाता है। ये बेड जो लगा हुआ है यहाँ शाम को डेली रामायण पाठ होती है डेली अभी भी शाम में यहाँ जो बड़ बुजुर्ग हैं वो आते हैं पूजा करके और 2-3 घंटा रामायण पाठ करते हैं। ये भी वही टेबल उन्हीं का है ये टेबल हाँ टेबल उन्हीं का है ये टेबल है जी जी। अच्छा इसी टेबल पर ये कुर्सी लगती है जी 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 ये अलमीरा वस्त्र हैं क्या जी ये वस्त्र उन्हीं का है। अच्छा जी जी और पुस्तक भी यहाँ रखे हुए हैं उस रूम में रखा हुआ बगल वाला रूम में अभी दिनकर जी का बहुत सारी पुस्तक यहाँ अवेलेबल रहता है। कुर्ता पैजामा जी जी कुर्ता धोती जी हाँ। तो हमारे साथ उनके भतीजे मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। दादा सबसे पहले तो प्रणाम कि हमें ये सौभाग्य है कि हम आपकी धरती पर आए हैं। दादा अपना शुभ नाम भी बता दीजिए। नरेश प्रसाद सिंह। दादा ये बताइए कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी आपके मतलब इसी गांव से रहे वो जब बाहर से आते थे तब कैसा माहौल होता था जब दिल्ली से कभी कभी आते थे? सब लोग मिलने आते थे देखने आते थे और सबसे मिलते थे सबसे बात करते थे जी। उन्होंने सत्ता पे भी बहुत प्रहार किए हैं। सत्ता को तो रगड़ दिया है उन्होंने। सत्ता स्वयं नेहरू उनके सामने कुछ नहीं थे। दादा ये बताइए कि यहाँ पे गांव में जब हम लोग आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये जन्मस्थली है इसी गांव में वो पैदा हुए। आप जब जवान थे तो आपको कैसा लगता था? हम जब जवान थे हम तो उनके सामने जवान होने चले थे जी। हम भूते बच्चे थे 1908 में उनका जन्म था जी। और 1941 में उनसे मेरा जन्म था। अच्छा आपने देखा सेवा करते थे उनकी घर के बच्चे उनकी सेवा किया करते थे। ऐसा कोई वाकिया जो घटा हो कोई संस्मरण जो आप हमें सुनाना चाहें याद आ रहा हो? ऐसी कोई बात ऐसी कोई घटना मेरे सामने। अच्छा एक समय वो नाराज हो गए थे मुझे जो याद आ रहा है कि यहाँ पर आपके गांव में उनकी संख्या बढ़ रही थी डाकुओं की या क्रिमिनल लोगों की संख्या। रेलवे लाइन में चोरी होती थी चोर लोग करते थे उसी पर डांट फटकार करके लिख भी दिए थे। कविता तो याद नहीं है लेकिन उस पर लिखे थे। बहुत नाराज रहते थे। रेलवे लाइन जो राजेंद्र पुल बना था उन्हीं का देन है। 56 में राजेंद्र पुल बना था कई वर्षों तक फिर वो गांव भी नहीं आए। नहीं गांव आते थे हाँ गांव आते थे लेकिन जब व्यस्तता थी तो समय मिलने के बाद उन्होंने लिखा तो उसके बाद बदलाव हुआ गांव में। बहुत बदलाव हुआ हाँ। उनका प्रभाव आज के डेट में उनकी जो राइटिंग लिखा हुआ है उस पर सब आदमी प्रभावित हो रहे हैं और उसको पालन करने का अथक प्रयास कर रहे हैं। और बाबू कुछ इधर दिखाएं। हाँ इसमें किताब होगा किताबें हैं आइए। इसमें दिनकर जी की सारी पुस्तकें रखी हुई है। अच्छा इसमें सब पुस्तक दिनकर जी का लिखा हुआ है उसके बाद दिनकर जी पर जो भी शोध करके जो राइटर लिखे हैं वो भी पुस्तक अवेलेबल है। अच्छा जी और इससे ज़्यादा पुस्तक दिनकर पुस्तकालय सिमरिया गांव में है बहुत बड़ा पुस्तकालय है उसमें सारा अवेलेबल मिल जाएगा सारी मतलब उनकी लिखी हुई किताबें सारी टोटल जी जी टोटल। हम लोग स्वर्ण जयंती मनाए थे 2008 में
पूरे एक सप्ताह तक पूरे गांव में सजावट किए हुए थे, जिस तरह फंक्शन लोग करते हैं शादी विवाह में, उसी तरह गांव में प्रवेश कीजिएगा, समूचा गांव में एक सप्ताह तक डेकोरेशन वगैरह सब लगा हुआ था और एक सप्ताह तक डेली प्रोग्राम चला था। बिल्कुल, तो रामधारी सिंह दिनकर जी के गाँव में थे, उनके भतीजे से भी हमने बात करी और ये स्वयं दादाजी स्वयं बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं लेकिन वाकया बता रहे हैं, इन्होंने भी हमें एक संस्मरण बताया। ये नहीं बल्कि बीमार हो गए जी, अब साल भर से लकवा से पीड़ित। अच्छा दादा, कितनी उम्र हो गई आपकी दादा? 81 है। अच्छा जी। और रामधारी सिंह दिनकर जी के जो भाई थे वो क्या करते थे आप? बड़े भाई गृहस्थ थे। गृहस्थ किसान। अच्छा। और उनसे छोटे मेरे पिताजी थे जी, इधर माता जी हैं दिनकर जी की, तब बड़े भाई हैं बसंत बाबू। अच्छा। अब दिनकर जी हैं। अच्छा। और उधर वाले मेरे पिताजी हैं। अच्छा, आपके पिताजी हेमोपैथी चिकित्सक। अच्छा, दादाजी के पिताजी को दिखाइए, ये दादाजी के पिताजी हैं और बीच में दिनकर जी हैं और ये माता जी हैं उनकी। सब कुछ बताएंगे, ये भी दिनकर जी के हिस्सेदार हैं। अच्छा। हाँ, इसी परिवार से हैं ये सारे, सब कुछ बताएंगे। पर पोता है। हाँ। आप पोता हैं दिनकर जी के बाबा? हाँ, लगते तो जरूर है। अच्छा, कोई संस्मरण याद है जब दिनकर जी गांव आए हो और ऐसा कोई वाकया हुआ हो जो बताने योग्य हो? संस्मरण तो कहते हैं लेकिन उम्र के मारे संस्मरण क्या कहेंगे, थोड़ा इसमें भूल भुला होता है जी। भूल तो ये तो हम लोगों का स्वभाव हो गया भूल। अच्छा, उस समय का बताइए जब वो 1952 के आसपास का, कि जब वो जवाहरलाल नेहरू के साथ थे तो किस तरह की परिस्थितियाँ थी, क्या चर्चाएं होती थी उस समय पे? ये तो पता हमको नहीं है, कारण जो नेहरू जी या दिनकर जी दोनों दिल्ली में रहते थे तो हम तो थे यहाँ। नहीं, कभी आते हो तो सुने जी, तो वो कुछ याद पड़ गया तो वो कह देते हैं। अब उस समय दिनकर जी और नेहरू जी में घनिष्ठता थी जी, सुनते हैं। हाँ। तो उसी दरमियान जोर दे के इनको राज्यसभा से पार्लियामेंट में भेजा। तो उसमें तो वक्ता में तो प्रखर वक्ता थे जी, बहुत। हाँ, बिल्कुल। इनके सामने तो शायद पंडित जी भी फीके पड़ जाते थे दिनकर जी के सामने। दिनकर जी तो अपने अर्थ में लिखे हैं, जो मर्त मानव का बीजा का सूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ। तो दूसरा तो सूर्य था नहीं, एक सूर्य था तो दिनकर था, लेकिन उनके सामने तो नेहरू जी भी नहीं थे। हाँ, राजनीति अलग चीज़ है, साहित्य कविता अलग चीज़ है, कोई कवि नहीं हुआ हम लोगों के देखने। जब एक दहाड़ मारते थे कविता में तो सारे कभी फीके पड़ जाते थे, जैसे सिंह के दहाड़ने पर मुर्गे ये मृग सब छिप जाता है, उसी प्रकार दिनकर के सामने कोई साहित्यकार नहीं थे। कोई नहीं टिकते, राजनीतिक व्यक्ति से दोस्ती नहीं किए थे कभी नहीं। अगर दोस्ती करते तो जिस समय वो नेहरू जी के साथ थे तो वो ये वक्तव्य नहीं निकालते कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इतनी को बात तो नहीं हुआ। मतलब प्रधानमंत्री को कह दिया गया कि आप कुछ नहीं है, जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है, और जनता चाहेगा तो आपको सिंहासन खाली करा के फिर दूसरे को बैठा सकता था। थोड़ा सा वो चापलूसी करते अगर नेहरू जी के या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से तो उनको भी कुछ कुछ स्थान मिलता, लेकिन उनको स्थान से कोई लोभ नहीं था। जब जब राजनीतिक व्यक्ति को दिक्कत होती थी तो साहित्यिक व्यक्ति ही उसको सब मजबूत करते हैं।
तो ऐसे थे हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी। जब आप सिमरिया गांव आएंगे तो आप जैसे ही अंदर घुसेंगे तो आपको दीवारों में रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी बहुत सारी पंक्तियां नजर आ जाएंगी। जब आप गांव आएंगे तो आपको लगेगा कि बिहार में ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिनसे हमें सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पर जब बच्चों से आप बात करेंगे तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जरा सा थोड़ा सा अंश भी आपको उनमें नज़र आएगा, तो ये देख कर बड़ा अच्छा लगता है। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान, कैमरामैन उज्जवल सिंह के साथ। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।